हाइपर चौकी पूरी सात आक इनका उद्घाटन हुआ है। सर इसके बारे में इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी? देखिए, आप सभी को पता है कि आप जो गुड़नपुर जो चौराया है, ये यहाँ से जो हाईवे निकलता है और विशेष तौर से दिन में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई आता रहता है, और कंदरापुर के बाद में इस पूरे रोड पे कोई भी पुलिस का कोई पोस्ट या पिकेट यहाँ पे नहीं था, जिससे कि कई बार होता है कि कोई महिला है या कोई बच्चे हैं या किसी को परेशानी होती है तो वो पुलिस को ढूंढते हैं, तो पुलिस की कहीं प्रेजेंस उनको नहीं दिखाई देती थी और जो गाड़ियाँ हैं वो इधर उधर मूवमेंट में रहती है। और विशेष तौर से यहाँ नाइट के टाइम पे भी ये जो चौराहा बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है, इधर गोरखपुर के लिए यहाँ से रास्ता जाता है, इधर ये अब चूँकि जब से हाईवे बनाया तो यहाँ पे और एक्सप्रेस वे जब से बना है तो यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया है, और चूँकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से अयोध्या भी लोग जाते हैं लगातार, यहाँ पे अयोध्या से लेके और जो बनारस के बीच में जो जो ट्रैफिक रहता है, यहाँ दिन में भी गाड़ियाँ चलती हैं, नाइट में भी गाड़ियाँ चलती हैं, तो कई बार ये दिक्कत होती है तो पुलिस से आदमी मदद ले सकता है, वो कोई परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे ये पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है और यहाँ पे ये भी निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे ड्यूटी रहेंगे और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है 12-12 घंटे की शिफ्ट यहाँ पे ड्यूटियाँ लगेंगी, तो जब भी किसी को ज़रूरत है तो यहाँ पे तत्काल पुलिस उपलब्ध हो सकती है, तो ये एक तरीके से रहेगा। बाकी ये मार्केट एरिया भी है, यहाँ पे तहसील भी पास में पड़ती है, तो मार्केट में भी कई बार होती है कि यहाँ पे इस तरह की जो टप्पेबाजी की घटनाएं इस एरिया में काफ़ी होती है, वाहन चोरी की घटनाएं होती है, तो जब भी कभी हमको चेकिंग करानी होगी या फिर कोई इमरजेंसी में जो पुलिस को तत्काल रिस्पॉन्ड करना है तो उस समय यहाँ जो स्टाफ रहेगा उसकी हमको मदद मिलेगी। सर, अगर मथुरिया थाना क्षेत्र की बात करें तो गुड़नपुर चौकी को लेकर के यहाँ 3 चौकियाँ और अभी तक निर्माणाधीन है, सर उम्मीद किया जाता है कि वो कब तक तैयार हो जाएंगे? जल्दी करेंगे, क्योंकि पुलिस की प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक है, अपराध ही कोई जरूरी नहीं है, कई बार आदमी को वैसे भी सहायता की जरूरत पड़ जाती है, रात्रि में कोई किसी का व्हीकल ही खराब हो गया तो आदमी को लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो यूपी 112 के साथ साथ में हमारी जो पुलिस की अगर प्रेजेंस भी रहेगी तो वो। सर, चूँकि अतरौलिया थाना आजमगढ़ जनपद का पश्चिम का थाना है जो अम्बेडकर नगर की बॉर्डर पे बनता है, सर उधर से बढ़िया क्षेत्र और ईदिलपुर क्षेत्र काफ़ी इंटीरियर माना जाता है, सर बढ़िया क्षेत्र में पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है, सर उसे उद्घाटन होने में कितना समय लगेगा? मैं जल्दी कराऊंगा। ठीक सर, बहुत बहुत